हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ खट्टी मीठी मुरमुरा नमकीन बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं या फिर जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगी हो तो आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। तो अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं 4 चम्मच तेल ऐड करूँगी और उसके बाद 1 कप से थोड़ा कम यानी 3/4 कप यहाँ पे मैंने मूंगफली के दाने, ये कच्चे वाले हैं तो मैंने इनको ऐड कर दिया है। इनको हम फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि ये थोड़े क्रिस्पी नहीं हो जाते। 3 से 4 मिनट मुझे फ्राई करते हुए हो गए हैं, ये लगभग तैयार है। तो अब हम इनको कढ़ाई से निकाल लेंगे। इनको हमें अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है, तो अब हम इनको निकाल रहे हैं। अब इसके बाद इसी बचे हुए तेल में हम ऐड करेंगे जो सूखा गोला होता है, वो थोड़ा सा मैंने काट लिया है। तो इसको हम फ्राई करेंगे और इसको लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लगता है। तो इसको लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, उससे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। तो देखिए ये गोल्डन ब्राउन होने लगा है, बस हमें इसको इतना ही फ्राई करना है। इसको भी हम निकाल लेंगे, ये भी अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। तो इसको भी हमने निकाल लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो तलने वाला साबूदाना होता है, इसको मैं 2 पार्ट में फ्राई करूँगी थोड़ा थोड़ा डाल के। तो अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये भी फ्राई हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो जो बचा हुआ था वो भी फ्राई कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो ये भी फ्राई हो गया है, इसको भी हम निकाल लेंगे कढ़ाई से। और इसके बाद हम थोड़े से मखाने, ये 1/2 कप के आसपास हैं, तो ये फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे ही क्रिस्पी होने तक। तो ये भी, इनको भी लगभग 2 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए और ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो हम इनको भी अब निकाल लेंगे। आप इन सब चीज़ों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बस हमने इनको भी निकाल लिया है और अब इसी कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल और ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हींग। ये सभी प्रोसेस हमें मीडियम फ्लेम पे करनी है। और ये मैंने ऐड कर दिए हैं कुछ कड़ी पत्ते, इनको मैंने धो के अच्छे से कपड़े से सुखा लिया था। इनको हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। कड़ी पत्ते जब नमकीन में होते हैं तो ये क्रिस्पी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 2 चुटकी के आसपास हल्दी, इसको भी थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे कुछ सेकंड के लिए। और अब यहाँ पे हमने ऐड कर दिया अपने मुरमुरे, या फिर इनको कहीं कहीं लाई भी कहा जाता है। तो इनको हम मुरमुरे के साथ 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे जिससे कि मुरमुरे और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इनको इस तरह से चलाते हुए हम इनको फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट हमें यहाँ पे हो गए हैं मुरमुरे फ्राई करते हुए, ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमने जो भी चीज़ें फ्राई की थी सभी ऐड कर देंगे, मूंगफली, मखाने, नारियल और साबूदाना। तो हमने इन सभी चीज़ों को ऐड कर दिया है, तो इनको भी कर लेंगे मिक्स। सभी चीज़ें फ्राइड हैं तो हमें इन्हें इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काला नमक, 1/2 चम्मच से भी कम। और ये 2 चम्मच पिसी हुई चीनी जो कि मैंने पीस ली थी वो ऐड कर देंगे। इससे हमारी नमकीन खट्टी मीठी बनेगी, थोड़ा सा मिठास भी आएगा। तो इन सब चीज़ों को कर देंगे मिक्स और इन सब चीज़ों को सिर्फ हम मिलाएंगे 1 मिनट के लिए, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि सभी चीज़ें ऑलरेडी फ्राइड हैं। तो बस हमने इसे अच्छे से 1 बार मिक्स कर लिया है। नमक और जो भी शुगर हमने ऐड की थी वो सब अच्छे से मिल गई है नमकीन में।
तो बस हमारी नमकीन बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम सर्व कर लेते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बन के तैयार हुई है और इसमें थोड़ा सा चटपटापन भी आएगा चाट मसाले की वजह से, और थोड़ी सी हमने शुगर भी ऐड की है तो मिठास भी आएगी। तो देखिए हमारी नमकीन कितनी मज़ेदार बन के तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।